दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी अमेरिका क्या गए और राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर जिस तरह से बीजेपी को बेचैन कर दिया है, उसके बाद अब बीजेपी के पास कोई और प्लान ही नहीं बच रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर उन तमाम लोगों से भी मुलाकात की है जो कि तख्ता पलट करने वाले प्लानिंग के लिए काम करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, या फिर वो नेपाल की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। इन जगह पर स्ट्रैटेजी मेकिंग वाले अमेरिकन्स को के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की और राहुल गांधी इसके बाद क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा बीजेपी को हो चुका है, अंदाजा हो गया है। इसीलिए बीजेपी के जो मंत्री हैं वो किस तरह से बेचैन हो उठे हैं, उनके अलायंस वाले मंत्री कितने बेचैन हो उठे हैं, जरा इस बात को समझिए। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार स्मार्ट प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार बीजेपी को झटके दे रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो विदेश में हो, इससे बीजेपी की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि उनके मंत्री अपने शब्दों का लिहाज भी खो बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अमेरिका में आरक्षण संबंधी टिप्पणी को लेकर दलित राहुल गांधी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जब भारत में स्थिति सही हो जाएगी तो आरक्षण खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ तरीके से अपनी बात को वहां समझाया था कि देश में अभी भी बराबरी नहीं है। उस बात को दरकिनार कर यहां पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ऐसी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को यह ऐलान कर दिया कि दलित समुदाय और उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ देश भर में जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि मौजूदा समय में आरक्षण हटाने की बात नहीं की जा सकती है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि जब भारत में हालात ठीक हो जाएंगे तो कांग्रेस आरक्षण हटाने पर विचार कर सकती है। आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर आलोचना की और कहा कि दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को दिए गए आरक्षण पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि इन अधिकारों को खत्म करने की किसी की भी कोई कोशिश अगर होगी तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अठावले ने जोर देकर कहा कि दलित आरक्षण के अपने अधिकार का डटकर बचाव करेंगे। अठावले ने यह भी कहा कि दलित और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण पर अपनी टिप्पणी के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी जूता मारो आंदोलन शुरू करेगी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बेकार आदमी है और जब भी वो इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बात करते हैं। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया, ऐसा अठावले कह रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पर भी कहा है, एक्स अकाउंट जो है उनका, आरक्षण खत्म करने की बात करके राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा देश के सामने ला दिया। देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग राहुल को उनके आरक्षण खत्म करने के बयान पर सबक सिखाएंगे। संविधान में आदरणीय बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामदास अठावले एक सेमिनार में भाग लेने के लिए धर्मशाला में गए थे, जहां खेती को कॉपरेटिव से जोड़ने सहित दूसरे और मुद्दों पर चर्चा थी। अठावले ने कहा कि ये कैसे संभव है कि देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी 99 सीटें कैसे जीत सकते हैं और विपक्ष के नेता कैसे बन सकते हैं? वो कह रहे हैं रामदास अठावले कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और एनडीए की सरकार आगे भी ऐसे ही आगे चलती रहेगी। रामदास अठावले ने जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस वक्त राहुल गांधी के जिस तरह से अमेरिका दौरे से बौखला गई है बीजेपी और कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के बयान दे रही है, उनके अलायंस भी अब बोल रहे हैं, उसके बाद ये तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है वो सही दिशा में चल रही है। इतनी चुभन अगर उनके सामने वाली प्रतिद्वंदी पार्टी को हो रही है तो ये तो तय है कि जो कुछ वो इस वक्त कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें एक एक शब्द और लाइन को निकालकर राहुल गांधी की इन बातों को पूरी तरह से
पोस्टमार्टम की तरह पेश किया जा रहा है बीजेपी और उनके अलायंस द्वारा। बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा बाहर, उससे बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? आखिर ऐसी क्या बात है कि बीजेपी राहुल गांधी की इस भाषण को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या फिर बीजेपी राहुल गांधी को अमेरिका में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? वजह कहाँ है? अगर राहुल गांधी ये सब बातें वहां कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी तमाम चीजें सामने प्रेजेंट कर रहे हैं देश में या विदेश में। लेकिन राहुल गांधी को घेरने के लिए क्या बीजेपी की यह रणनीति सही है? इस पर आप हमें कमेंट भी कीजिए कि रणनीति और बेहतर होती तो क्या होती, और अगर यही है तो क्या ये सही है, ये भी आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अमेरिका में डोनाल्ड लू की बात करें, जिस तरह से बाकी और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और राहुल गांधी इस वक्त देश की राजनीति को अंतरराष्ट्रीय स्तर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा मंच है विदेश का, यहां से भारत पर किसका कैसे कितना असर पड़ता है, ये नब्ज राहुल गांधी ने जो पकड़ी है, अगर वो सही है तो बीजेपी को मिर्ची लगना भी सही है। क्योंकि बीजेपी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर जो भी बात कर रहे हैं, जो मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी उन बातों को देश में आकर अगर प्रत्यक्ष सामने रख देते हैं, लोगों के सामने बता देते हैं और ये बात का खुलासा कर देते हैं कि पीएम मोदी अपने दौरों पर कितनी अहम बातें कर पा भी रहे हैं या नहीं, तो राहुल गांधी यहां पर और कुछ कदम आगे चले जाएंगे। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है, अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर इस बात पर अच्छे खासे हमले कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी पर इस वक्त इन बातों पर स्मृति ईरानी चुप हैं, जो हमेशा राहुल गांधी की हर बात पर वो छींके भी तो भी वो ऑब्जेक्शन करती थी, लेकिन आजकल कुछ वक्त से वो उनकी तारीफ कर रही हैं और इस तरह के उनके किसी भी एक्शन को लेकर वो कुछ नहीं कह रही हैं, उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। स्मृति ईरानी की खामोशी यहाँ पर बनी हुई है, ये खामोशी तूफान से पहले आने वाली शांति है, क्योंकि ये तूफान किसी भी तरफ आ सकता है स्मृति ईरानी का, जैसे कि राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं और जो दाना वो कांग्रेस को डाल रही हैं, वही दूसरा है कि कैसे वो इस वक्त बीजेपी में अपने लिए नेगोशिएट कर रही हैं। चुनाव जब से हुए हैं, नतीजे जब से सामने आए हैं, तब से स्मृति ईरानी घर पर हैं और बीच में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जो दिन रात व्यस्त रहती थी वही स्मृति ईरानी पूरी तरह से खाली हो गई हैं, उसके बावजूद वो अपनी बुद्धि से हमले नहीं कर रही हैं, शांत बैठी हैं, यहां तक कि राहुल गांधी पर भी हमले नहीं कर रही हैं, बिल्कुल हमले नहीं कर रही हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी की भी स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है कि आखिरकार उनके जहन में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की इस पूरी स्ट्रैटेजी ने बीजेपी को बेचैन करके रख दिया है। इस वक्त बीजेपी जिस भी तरह से प्लानिंग करने की कोशिश करे, राहुल गांधी को मात नहीं दे पा रही है और लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जो कि सर्वे भी बता रहे हैं। अब इन सर्वे रिपोर्ट्स को देखने के बाद आने वाले 4 राज्यों को लेकर के भी बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में तितर बितर स्थिति बनी हुई है। ये समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त उनकी खुद की पार्टी में जो नेता हैं वो उनके साथ खड़े होने वाले हैं या फिर छिटक जाने वाले हैं, क्योंकि लगातार कई नेता जो कभी बीजेपी के दरवाजे को तकते थे, आज वो बीजेपी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, आज वो बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर दे रहे हैं कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए। यहां पर बड़ा सवाल ये उठ कर आता है कि राहुल गांधी जिस वक्त 4 राज्यों में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अमेरिका दौरे पर चले गए हैं और ठीक उसी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं जैसे कि पीएम मोदी किया करते थे। आपका चुनाव कहीं है और असर कहीं किसी और बात से होगा, इस तरह की प्लानिंग पर अब राहुल गांधी काम करने लगे हैं जैसे पीएम मोदी करते थे। देश के किसी हिस्से में चुनाव है और वो बाहर किसी देश में जाकर वहां ऐसी कोई बात करते थे, ऐसी वीडियो होती थी, ऐसी तस्वीरें निकल कर आती थी और उनकी उस इमेज बिल्डिंग से वो राज्य में वो चुनाव जीतने की कोशिश करते थे। अब राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह का तरीका अपना लिया है और उन्हीं की बात से उनको मात देने की कोशिश वो कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी इस वक्त जो कुछ बोल रहे हैं, उससे बेचैन होकर बीजेपी के नेता जो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो जूते मारो आंदोलन करेंगे या कुछ और करेंगे, इससे अब राहुल गांधी को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि इस वक्त
जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है उसमें लोग इस तरह की बातों से नाराज होकर खुद रामदास अठावले के खिलाफ काफी कुछ कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।